नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। तो वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ ड्राई फ्रूट्स को कैसे हम साल भर के लिए स्टोर कर सकेंगे वही मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने खजूर, किशमिश, काजू, बादाम और अखरोट। और दिवाली के टाइम में हम लोग ड्राई फ्रूट्स खरीदते भी हैं और हमें गिफ्ट में भी काफ़ी सारे मिलते हैं। तो कई बार होते हैं रखे रखे इसमें कीड़े लग जाते हैं और कई बार तो जाले भी पड़ जाते हैं, जिसे खाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो हमें फेंकना पड़ता है। तो मैं आज दो तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे खजूर और जो किशमिश है इसे हम रोस्ट नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख के पूरे साल भर स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और काजू, बादाम, अखरोट इतने भी आप बिना रोस्ट करे फ्रिज में रख सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के, ये भी ख़राब नहीं होगा। और दूसरा तरीका एक है कि इसे हम ड्राई रोस्ट करके रखेंगे, वो उससे क्या होगा, आप बाहर रखेंगे तो भी ये महीनों तक ख़राब नहीं होगा। हम कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे, जो भी आपको ड्राई रोस्ट नहीं करना है उसे आप डायरेक्ट जार में डालिए। जार को बंद करके आप फ्रिज में रख के इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे खजूर भी हमारा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, एक बार पैक खोलने के बाद इसे बंद करेंगे और फ्रिज में रखेंगे। ऐसे ही हम खजूर को भी रख लेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो जो था वो मैंने आप लोगों को दिखाया लीजिए। इसे हम फ्रिज में रखेंगे, जिसे हम साल भर स्टोर करके खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए एक पैन ले लेंगे। पैन जब हल्का हमारा गर्म हो, हम इसमें बादाम डाल के 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, बस लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट इसे रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम में हमने 3 मिनट इसे चलाते हुए रोस्ट कर लिया है। जो ड्राई फ्रूट्स में हमारे हल्का नमी है उसे दूर करना है बस हमें। तो बादाम को हम निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। अब हम यहाँ पे काजू को रोस्ट कर लेंगे। पैन हमारा गर्म है तो काजू को हमें बस 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। काजू के कलर चेंज नहीं करना है हमें, बस लो फ्लेम में 1 मिनट इस तरीके से चला लेंगे। सबसे ज़्यादा काजू में हमारे बहुत ही जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो इस तरीके से आप रखेंगे ना ये पूरे साल भर ख़राब नहीं होगा। तो 1 मिनट हो गए हमें इसे रोस्ट करते हुए, और आप देख सकते हैं काजू का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसे भी हम निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। अब हम अखरोट डाल के रोस्ट करेंगे। बस 30 सेकेंड हमें इसे रोस्ट करना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख के हमें बस 30 सेकेंड के लिए इसे रोस्ट कर लेना है। थर्टी सेकेंड हो गए, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद हम इसे पूरी तरीके से ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसे किसी भी कंटेनर में भर के स्टोर करेंगे। इस बात का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इसे आप गर्म स्टोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो 2-4 दिन में ये ख़राब होने लगेगा। तो इसे हम पूरी तरीके से ठंडा करेंगे, फिर किसी डब्बे में भर के इसे
स्टोर करेंगे। आप इसे चाहे फ्रिज में रखें चाहे बाहर, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर फ्रिज में जगह ना हो तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, ये महीनों तक ख़राब नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान देना है, इसे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद ही आप डब्बे में डालें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जो रोस्ट कर रखे थे हमने, इसे हम बाहर रखेंगे, और जो खजूर किशमिश है इसे हम फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, नए कोई वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।